आजकल जहां देखो वहां लॉकअप हेडलाइन बनकर छाया रहता है। लॉकअप से जुड़ा हर अपडेट या अंदर मौजूद सभी कैदियों से जुड़ी खबरें जानने के लिए दर्शक काफी उत्सुक रहते हैं। लास्ट वीकेंड के एविक्शन के बाद कुछ नए जाने माने चेहरों का नाम कंगना के शो लॉकअप से जोड़ा जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री के सभी सदस्यों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। आइए जानते हैं उन सभी के बारे में। सीरियल का तड़का में आपका स्वागत है। मैं हूं नुपुर जौहरी और आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज। बिग बॉस मनोरंजन की दुनिया का बहुत बड़ा रियलिटी शो है जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब पसंद किया जाता है। इस शो से जुड़ने वाला हर एक नाम सुर्खियों में आकर अपनी एक पहचान बना ही लेता है। बिग बॉस के बाद अब लॉकअप को भी दर्शकों का बेशुमार प्यार दिया जा रहा है। लॉकअप की शुरुआत काफी धमाकेदार हुई थी और इस शो से जुड़े हर खिलाड़ी को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं। लेकिन लास्ट वीकेंड के एविक्शन के बाद, जो कि एक डबल एविक्शन था जिसमें कम वोटों के आधार पर सिद्धार्थ शर्मा और बबीता फोगाट हुए शो से बाहर, जिनके जाने के बाद शो में नए खिलाड़ी हिस्सा लेने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिग बॉस से जुड़े कई नामी चेहरे अब लॉकअप में शामिल होने वाले हैं, जिनके आने की खबर अभी अंदर मौजूद कैदियों को नहीं दी गई है। बिग बॉस की दमदार खिलाड़ी रश्मि देसाई का नाम लॉकअप की वाइल्ड कार्ड लिस्ट में पहले नंबर पर लिया जा रहा है, तो वहीं दूसरे नंबर पर बिग बॉस की एक और खिलाड़ी जैस्मीन बसीन भी इस शो में दिखाई देने वाली हैं। ये तो थे बिग बॉस के कुछ खिलाड़ी, लेकिन भारत के फेमस और बेहद हैंडसम मॉडल और एक्टर मिलिंद सोमन का भी नाम काफी चर्चे में है। बता दें कि मिलिंद भी कंगना के बैडास जेल लॉकअप में दिखाई दे सकते हैं। इन सभी हस्तियों को शो में देखने के लिए दर्शक काफी बेताब हो रहे हैं। अब देखना यह है कि इन सभी खिलाड़ियों की एंट्री शो में कब और कैसे होगी। इन सबको अंदर मौजूद देख बाकी के कैदियों का कैसा रिएक्शन रहेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। लॉकअप से जुड़े नए और खट्टे मीठे अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ एचसीएन न्यूज़ पर।